नमस्कार। आज हमने बनाया है ताजे हरे मटर की दाल, बिल्कुल गांव के तरीके से। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आप जो भी तेल खाते हैं उसको डाल दीजिए। मैं सरसों के तेल में ही दाल सब ज़्यादातर दाल इसी में बनाती हूँ। तो मैंने डाला है 2 पिंच हींग। तो ये हमने लिया है 1 पूरा कटोरी। ये 250 ग्राम पूरा हरे मटर है, इसको डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे, लो नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मटर को पका लेंगे। ऐसे अगर आप भून के मटर बनाएंगे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कच्चे मटर से कच्चे कच्चे का स्वाद आ जाता है, इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम मटर को भून लेते हैं, ढक के इसको 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं, मेरे बीच बीच में इसको चलाते हुए देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो एक दबा के देख लेते हैं, ये देखिए। अब मटर को निकाल लेंगे, वापस डाल देंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये 2 चम्मच और डाल देंगे। तो मैंने तड़का लिया है 1 तेज़पात, 2 पिंच हींग, पतला सा छोटा सा दालचीनी लिया और जीरा 1/2 चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल देंगे। तड़का जल चुका है, ये लिया मीडियम साइज का 2 प्याज बारीक काट लिया है, साथ में डाल देंगे ये 3 हरी मिर्च लिया है, लंबे में कट कर लिया। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, चला चला के मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो मैंने ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल दिया है मटर। हम थोड़ा थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे मिक्सी को, जैसे 2 सेकंड चलाएंगे फिर रोकेंगे, ऐसे करके 3 बार में हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने रोक रोक के इसको चलाया है। थोड़े मटर साबुत हैं, थोड़े पाउडर पेस्ट बन गए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके दाल अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल बारीक कर देंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मिक्सी 2 सेकंड रोक के फिर चलाएं, फिर रोक के 2 से 3 बार में हो जाता है। देखिए प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इतना ही हम प्याज को भूनेंगे, जब तक हमने मटर को पीस लिया ठंडा करके, प्याज भी हमारा भून गया है। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन को मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। इसको भी डाल के हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे, पेस्ट है इसलिए जल्दी पक जाता है ये। तो मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। अब डाल देंगे मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब चीज़ इसमें मिक्स है। तो 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल दी। ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच ये भी डाल दी। तीखी लाल मिर्च, मैंने हरी मिर्च डाली इसलिए कम डाल रही हूँ, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस मसाले में इतना ही डाल रही हूँ मैं। मसाले को भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो मसाले को भी हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे ये 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 2 प्याज था मीडियम साइज़ का, 2 टमाटर था, 250 ग्राम हमारा मटर था। तो मैं सब कुछ आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर इस तरीके से मटर के दाल बनाएंगे आप तो। और साथ में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। टमाटर डालने के बाद नमक डालने से क्या होता है, टमाटर फटाफट सॉफ्ट हो जाता है। टमाटर के पानी से देखिएगा अभी सब चीज़ पक जाएगा, और नमक डालने से टमाटर फटाफट सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको दबा दबा के पूरा मैश कर देंगे टमाटर को। तो अभी 2 मिनट और पकाएंगे, इसका पानी जल जाए, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए ये नीचे से पकड़ रहा है, इसका मतलब है हमारे मसाले अच्छे से पक गए और इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो अब हम डालेंगे
ये जो हमने रखा था ना पीस के मटर, इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करके इसको ढक के हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। मसाले के साथ इसको भी भून लिया हमने, तब इसमें पानी डाल देंगे। ये उसी मिक्सी के जार में मैंने 1 गिलास पानी लिया था। तो मैं दाल का ग्रेवी गाढ़ी रखूँगी, आप चाहें तो थोड़ा और पतला कर सकते हैं। बस ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, केवल 3 से 4 मिनट, मान के चलिए 5 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको उबालेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से 4 से 5 मिनट। चेक कर लेते हैं, देखिए पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। तो डाल देंगे लास्ट में हरे धनिया की पत्ती, और देखिए कितना ठीक हमें रखना है, इतना ही रखना है। तो थिकनेस सही है, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं ग्रेवी। तो हमारी दाल बन के तैयार है, और लास्ट इसमें डाल देंगे बटर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ज़रूर बटर है तो डालिए, नहीं तो देसी घी डाल दीजिए। हमारी दाल बन के तैयार है। तो कैसी लगी मेरी दाल की रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।